सप्ला एकादशी का व्रत कैसे करें एवं एकादशी व्रत करने से क्या क्या होता है लाभ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा किस प्रकार से बरसती है, उसे व्यक्ति के ऊपर लिए जानते हैं। इस विषय पर विशेष रूप से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। संपूर्ण हिंदू राष्ट्र एवं संपूर्ण देशवासियों के लिए एकादशी सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। आइए हम चर्चा करते हैं आज एकादशी व्रत के विषय में। हजारों प्रकार की वीडियो में आपने देखा ही होगा एकादशी व्रत के महत्व के विषय में। एकादशी व्रत सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह सबसे प्रिय परम पावन पुनीत व्रत है। इसलिए इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के द्वारा प्रारंभ किया गया एवं महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों ने इस व्रत का पारायण किया है, जिन पर भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण की विशेष कृपा रही है। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का एक बड़ा ही विशेष अपने आप में महत्व है। तारीख 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को यह एकादशी पड़ेगी, जो कि आपको व्रत रहना है। एकादशी व्रत का विधान आप लोग प्रायः सभी जानते हैं कि इस दिन अन्न का आहार सब्जी मिर्च मसाले इत्यादि कुछ भी नहीं खाया जाता है, केवल गाय का दुग्ध अथवा फल या जूस लेकर के आप रह सकते हैं और अगले दिन इसका पारायण भोजन इत्यादि किया जाता है। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशद। एकादशी व्रत के प्रभाव से आपको यमलोक यानी कि नरक नहीं जाएंगे। एकादशी के प्रभाव से आप वैकुंठ गमनम तथा यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण के उस परम धाम जहाँ पर वह निज निवास करते हैं, जिनके पार्षद जय विजय एवं माँ भगवती जिनके चरण दबाती हैं माता लक्ष्मी, उस धाम को आप प्रस्थान करेंगे। कहते हैं क्षीर सागर, क्षीर माने होता है दुग्ध, दूध का सागर, ऐसे क्षीर सागर में भगवान श्री हरि का निवास है, वहीं पर वह आत्मा भी चली जाती है जो एकादशी व्रत का पारायण करती है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवरलम सुवांगम श्रीलक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी हृद्यानगम्यम वंदे विष्णु भववैहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे भगवान के धाम को चले जाते हैं वह प्राणी, वह जीवात्मा जो गोविंद की इस परम पुनीत व्रत को रहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।